नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564309906089752384455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं लगातार इस वीडियो फॉर्मेट में, उसको कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम आकर काफी नजदीक है, ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। मैक्सिमम रिवीजन पे आप फोकस करिए जो पहले से पढ़ा हुआ है, कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश मत करिए इस आखिरी समय में, ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। प्रश्न है कि शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन यानी कि कॉगुलेशन जो है किस तत्व की उपस्थिति के कारण नहीं होता है, ठीक है। तो बॉडी में देखिए होता क्या है कि लीवर से प्रोड्यूस होता है एक एंटी कॉगुलेंट है जिसको कि हिपैरिन कहा जाता है, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड होता है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड होता है, तो इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। इसकी उपस्थिति के कारण अगर ये हिपैरिन है तो ये प्रिवेंट करता है जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उसमें ब्लड क्लॉट होने से, ठीक है, यानी कि ब्लड जमता नहीं है। तो यहाँ से सिर्फ इसको हम बी को चुनेंगे, इतना ध्यान रखिएगा, इतना ही इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में जरूरी है। मानव के शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है इसका बेसिकली मेन वर्क देखेंगे तो ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन जो है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये इसका मेन वर्क है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि मानव के शरीर में जैसे एंटीबॉडीज का निर्माण है ये किसके द्वारा होता है, ठीक है। तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि बीमारी की स्थिति में एंटीबॉडीज जो होती हैं ये हमारी फाइट करने का काम करती हैं किसी भी बीमारी से, ठीक है, अगर वो शरीर में होता है, ठीक है। तो एंटीबॉडीज निर्मित कैसे होती हैं, तो जो हमारी एक प्रकार की स्पेशलाइज्ड व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं जिनका कि नाम है लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसको कई कई बार जो है बी सेल्स भी बोलते हैं, ठीक। तो इनके द्वारा शरीर में जो है हमारा एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। मानव की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी में जो हम आरबीसीज के बारे में पढ़ते हैं तो नॉर्मली इनका जो लाइफ स्पैन है एक तरीके से अप्रॉक्सीमेटली 110 से 120 दिन का जो है वो होता है। तो यहां से हम ऑप्शन कौन सा चुन लेंगे, ए वाला, ठीक। अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के शरीर में 100 दिन से कम जो है आरबीसी हमारी जो है ये अवेलेबल है तो ऐसी स्थिति को एक टर्म होता है वो भी कई बार पूछा जाता है, उसको हीमोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है, ठीके? तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक, ये भी कई बार इंपॉर्टेंट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है, यानी कि बॉडी में कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं इनमें से ये कौन सा एक नहीं होगा। तो पूरे शरीर को जो है एक संयोजन में रखने के लिए हमारी जो बोन्स है यानी कि अस्थियां, उपास्थि यानी कि कार्टिलेज और ब्लड है ना, ब्लड भी अपने आप में एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो ये तीनों ही हमारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं। स्केलेटल मसल यानी कि कंकाल पेशियां जो होती हैं ये ऊतक नहीं है, ठीक, तो इसको चुनेंगे। अगला है कि दिल्ली का वार्षिक तापांतर अधिक है क्योंकि, ठीक है, तो टेम्परेचर वेरिएशन देखेंगे एनुअल रेंज में अगर हम देखेंगे तो बाकी अन्य स्थलों की तुलना में दिल्ली के जो हमारा मान लीजिए हम दिल्ली का एरिया ले लेते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस और स्थानों से इतना ज़्यादा क्यों है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो हमारा सी सरफेस है, ठीक है, तो सी सरफेस से काफ़ी ज़्यादा दूरी होने की वजह से अगर हम और स्थानों से तुलना करेंगे तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर है ना, या फिर कह लीजिए अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, तो इन सब फैक्टर्स की वजह से जो हमारा एनुअल रेंज पे टेम्परेचर डिफरेंस है वो ज़्यादा है, ठीक। तो यहाँ पे मोस्ट सूटेबल आंसर हमारा डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि लेटराइट मृदा निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है, ठीक। तो लेटराइट प्रकार की जो हमारी मृदा होती है उसमें चाय, काजू और सिनकोना, ठीक है, तो ये तीनों ही उगाए जा सकते हैं, ठीक। ऑप्शन हमारा डी यहां से करेक्ट होगा। एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि सिनकोना जो होता है इसके वृक्ष के बारे में कई बार पूछा गया है तो इसकी जो ये होती ना बार्क यानी कि जो छाल होती है ऊपर का जो ये आवरण है पेड़ के ऊपर का, तो इसको कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को जो है एड्रेस करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये मेडिसिनल वैल्यूज की काफी होती है इस ट्री की, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखिए कि निम्नांकित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों में नहीं मिलता है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जैसे मेजरली अगर हम समझे तो जो ये वेस्टर्न घाट वाला एरिया है यहाँ पे ऐसे वृक्ष और ये एरियाज हमारे पाए जाते हैं। अब जैसे इनकी कुछ एक वो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमारे ये ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट जो है,
तो इसमें जैसे 100 से 200 सेंटीमीटर की एनुअल रेनफॉल जो है यहाँ पे होती है, एनुअल मीन टेम्परेचर जो होता है लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और इसमें जो पत्तियाँ होती हैं वो स्प्रिंग के सीज़न में है ना, पत्तियाँ ऐसे पौधे इनके गिरा देते हैं, ठीक है, जो अर्ली समर और ये स्प्रिंग वाला सीज़न होता है, क्योंकि उस टाइम मॉइस्चर जो है वो सफिशियंट नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे वृक्षों में जो यहाँ पे इन एरियाज में पाए जाते हैं है ना, तो ये वैल्यूएबल कह लीजिए फर्नीचर वगैरह बनाने में जैसे इनका बड़ा यूज़ होता है, ठीक है। जैसे साल का वृक्ष है ना, सागौन है, रोज वुड हो गया, ठीक, फिर जैसे आंवला है, जामुन है, बाम्बू है, ठीक है। तो ये सब प्रकार के पौधे जो है यहाँ पे ये पेड़ पाए जाते हैं, महोगनी जो है ये इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। महोगनी कहाँ मिलता है जरा कमेंट करिए तो फटाफट। अगला देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि जो मौलिक कर्तव्य हमारे हैं संविधान के भाग 4A में, ठीक है, आर्टिकल कौन सा है इसका, 51A, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 11 ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जिसमें अगर हम दिए हुए ऑप्शंस में देखें तो चुनाव के दौरान वोट डालना ये हमारा कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है, तो इसको चुनेंगे। बाकी के 3 ऑप्शन जो हैं हमारे ये बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरी धारा हिंद महासागर से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ओशन करेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं जैसे, तो अब यहाँ पे देखेंगे तो बेंगुएला करंट जो हमारी है ये इधर आप देखेंगे तो साउदर्न अटलांटिक ओशन का जो एरिया है ना, इससे संबंधित है ये, ठीक है, इंडियन ओशन से नहीं है। बाकी के तीनों ये संबंधित है, इसको हम चुन लेते हैं। किस प्रकार की विकिरण चुंबकीय विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के एक भाग को लगभग 300 गीगाहर्ट्ज से 3 किलोहर्ट्ज तक या उसके समकक्ष तरंग दैर्ध्य यानी कि जो इसकी वेवलेंथ है 1 मिलीमीटर से 100 किलोमीटर तक की आवृत्तियों के साथ निर्दिष्ट करता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको भी दिखाएंगे आपको तो वहाँ से आपको ये सब टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक जो यहाँ पे लिखी हुई हैं किसकी होती हैं, तो ये रेडियो वेव्स जो होती हैं इसकी है, ठीक, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको ध्यान रखिएगा, रेडियो वेव्स आप हमारा करेक्ट आंसर है इसमें। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने भारत के राष्ट्रगान की रचना की है, ठीक है। तो जो हमारा नेशनल एंथम है जनगणमन, ठीक, तो ओरिजिनली इसको कंपोज किया गया था बांग्ला भाषा में, किसके द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, ऑप्शन हमारा डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो हिंदी वर्जन है, ठीक है, ये जो जनगणमन हम गाते हैं तो ये हिंदी वर्जन है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इसके द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये डेट याद रखिएगा, ये डेट ऐसे पूछा जाता है, ठीक है, कि ये कब जो है अडॉप्ट किया गया था। अगला देखिए, इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो महासागरी धाराओं के बारे में यहाँ पे कथन लिखे गए हैं, तो अभी हमने ऊपर भी एक देखा था करंट्स के बारे में क्वेश्चन। तो बेसिकली करंट्स का काम क्या है कि महासागरी धाराएं जो है पृथ्वी के ताप संतुलन को बनाए रखने में सहायता करती हैं, तो ये कथन बिल्कुल ठीक है। जो हमारी कोल्ड करंट है और हॉट करंट्स हैं, ठीक है, तो ये सब हमारे हीट बैलेंस जो है उसको मेंटेन करते हैं। दूसरा है कि महासागरीय धाराएं मुख्यतः प्रचलित पवनों के द्वारा गतिमान होती है, ठीक है। तो जो हम देखेंगे उन पर्टिकुलर एरियाज में जहां पे कोई करंट हमारी फ्लो हो रही है तो वहां पे जो प्रिवेलिंग विंड है, ठीक है, वो हेल्प करती है उनके मूवमेंट में, तो ये बिल्कुल ठीक है। महासागरीय धाराएं महासागर के विन्यास से प्रभावित होती है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो ओशन का कॉन्फिग्रेशन है, जैसे कि मान लीजिए हम इंडियन ओशन का एग्जाम्पल ले लें, ठीक, तो उसका जो भी कॉन्फिग्रेशन है ना, उसके जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके हिसाब से वो हमारी जो उसकी संबंधित करंट होगी है ना वो बिहेव करेगी, ठीक। तो तीनों ही हमारे कथन इस संबंध में ठीक है, हम इसमें डी ऑप्शन को चुन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने एल्डरली इन इंडिया 2021 का प्रकाशन निकाला, ठीक है। तो एक ये कह लीजिए पब्लिकेशन है, प्रकाशित किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है ना, सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ये रिपोर्ट जो है निम्न में से किस मामले से संबंधित है ये जरा कॉमेंट करिए। खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा में 15 मार्च 2021 को पेश किया गया, जिससे कि खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम, निम्न में से किस वर्ष का ये अधिनियम था जिसमें कि संशोधन कुछ किया गया, ठीक है। तो जो हमारा ये माइंस एक्ट माइंस बिल जो आया, डेट यहाँ पे लिखी है, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 15 मार्च को इसको पेश किया गया था। तो इसमें बेसिकली इसका इंटेंशन ये है कि जो माइंस मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 का है, उसमें जो है माइंस से जितने भी हमारी माइंस इंडिया में रेस्पेक्टिव अलग अलग मिनरल्स की हैं, तो उनके रेगुलेशन से संबंधित कुछ इसमें अमेंडमेंट किए गए हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एक्ट 1957 का था हाली में, और 2021 में इसमें जो है संशोधन किए गए हैं। अगला देखिए, खासी पहाड़ियों के दक्षिण ढलानों में किस स्थान पर प्रतिवर्ष औसतन 12,000 मिलीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मेघालय जो है ना, वहाँ पे हमारी जो ये खासी हिल्स हैं, ठीक है, तो उसके साउदर्न स्लोप के आसपास ये हमारा
प्लेस है मौसिन राम, ठीक है। तो जहां पर प्रतिवर्ष औसतन 12,000 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होती है, जिसको कि सबसे ज्यादा बारिश वाले स्थान के रूप में जाना जाता है भारत के, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, थर्ड मैन निम्न में से किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो क्रिकेट का अगर आपने खेल देखा हो, तो जैसे मान लीजिए ये ग्राउंड है, अब यहाँ पे पिच होगा, तो जैसे बैट्समैन एंड के पीछे विकेट कीपर होता है, ठीक है। तो विकेट कीपर के ही कुछ यहाँ पे देखिए इस डायरेक्शन में जो है ये थर्ड मैन की पोजिशन होती है, फील्डिंग पोजिशन, ठीक। तो इसको ही पूछा जा रहा था, तो ये क्रिकेट के खेल से संबंधित है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, वोल्ट मीटर उन बिंदुओं से कैसे जुड़ा होता है जिनके बीच संभावित अंतर को मापा जाना है, ठीक है। तो देखिए, एक आपसे कई बार पूछा जाता है कि वोल्ट मीटर जो है उसको हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इससे पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारे दो पॉइंट्स के बीच में कोई सर्किट है वहां पर उसको मापते हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। तो अब यही पूछा जा रहा है कि जो हमारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो उनके बीच में वोल्ट मीटर को किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है ताकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको हम ज्ञात कर सकें। तो जैसे फिजिक्स अगर आपने पढ़ी होगी तो पता होगा कि जैसे सीरीज में हमारे कनेक्शंस होते हैं और पैरेलल में होते हैं, ठीक है। तो इतना डिटेल इसको जानने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे ये जानिए कि जो वोल्ट मीटर होता है उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ से ये जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकल के आता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है, ठीक है। तो इधर आप देखेंगे जैसे ये यूएस और इधर जो साउदर्न अमेरिकन का रीजन है, तो मध्य में हमारे ये देश हैं, इसमें जैसे पनामा है, होंडुराज है, ग्वाटेमाला है, ठीक है, ये सब स्थित है। सियेरा लियोन बेसिकली हमारा कहाँ पे है, ये अफ्रीका में है, ठीक है। ये अफ्रीका का जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया आप देखें कुछ, तो यहाँ पे ये स्थित है, है ना, जो घाना वगैरह के देश हैं, है ना, उसके लाइन में। अगला देखिए, टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो टूथपेस्ट जैसे उत्पादों में सफेद वर्णक के रूप में प्रयोग किया जाता है, निम्न में से किस खनिज से प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे इसका नाम ध्यान रखिएगा, टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, जो कि किस रूप में यूज होता है, हमारा जो व्हाइट पिगमेंट्स होते हैं जैसे टूथपेस्ट होता है ना, तो यहाँ पे इसको यूज करते हैं, और ये इल्मेनाइट जो है, है ना, इससे प्राप्त होता है, ऑप्शन सी। अगला देखिए, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, तो इसकी पूरी श्रृंखला का वर्णन में से मतलब हाँ यहाँ पे देखिए परिभाषा दी गई है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम प्रकाश की पूरी श्रृंखला का वर्णन करता है, जिसे आमतौर पर तरंग दैर्ध्य के कितने क्षेत्रों में और ऊर्जा और आवृत्ति के वृद्धि के क्रम में विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो प्रकाश का जो वर्णन कर रहा है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, तो उसमें कितने हमारे जो ये कलर्स हैं, तो 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। तो इनको जो वेवलेंथ वगैरह होती है और एनर्जी, उसके क्रम में इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बता, हमारा विबग्योर होता है ना, जो इंद्रधनुष वाले कलर 7, ठीक है। तो जैसे यहाँ टर्मिनल रेड है और वॉयलेट है, ठीक। तो लाइट को हमारा जो है 7 भागों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। अब किस रूप में इसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ समझिएगा, इसको वेवलेंथ और इसके ऑर्डर ऑफ एनर्जी जो है और फ्रीक्वेंसी, उसके रूप में डिवाइड करते हैं, ठीक। तो जैसे अब यहाँ पे वॉयलेट में हम देखेंगे, तो वॉयलेट क्या होता है, हमारा शॉर्ट वेवलेंथ की एक वेव होती है, ठीक है, कलर होता है मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे वॉयलेट जो होता है इसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है और इसमें एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। वहीं अगर हम रेड की बात करेंगे तो ये हमारा लॉन्ग वेवलेंथ आ जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी और इसमें एनर्जी भी कम होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये जो हमारा क्रम है विबग्योर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, इसको एक बार सर्च करके देख लीजिएगा, तो वहां से आपको डिटेल में ये समझ में आ जाएगा, ठीक। तो ये 7 भागों में हमारी ये डिवाइडेड होता है, ये आपको पता चल गया होगा। अगला देखिए, चंदन भारत के या भारत में किस प्रकार के वनों में पाया जाता है, ठीक है। तो जो सैंडलवुड होता है बेसिकली, ये देखेंगे आप जो हमारा डक्कन प्लेटू वाला एरिया है, स्पेशली जैसे इधर हम कर्नाटक का स्टेट देखें या तमिलनाडु का देखें, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है इनमें पाया जाता है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे पौधे जो हैं ये जो एक ह्यूमिड कंडीशन होती है, ठीक है, एनुअल रेनफॉल जिनमें अच्छी हो और ये वही स्प्रिंग वाले सीजन में जो है अपनी पत्तियाँ वगैरह गिराते हैं, तो ये सब रिस्ट्रिक्शंस होती है इसकी, और इसमें से हम सी ऑप्शन जो है ये यहाँ से करेक्ट था, इसको चुन के आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस हड़प्पन जो स्थल है हमारे हड़प्पाकालीन स्थल, तो यहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो अलग अलग साइट्स के बारे में हम पढ़ते हैं ना कि कहाँ से क्या मिला है, ठीक है। तो एक हल का टेराकोटा हमें मिला है कहाँ से, बनावली से, ठीक। जो ऑप्शन हमारा ए है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके एक्सकेवेटर कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए, तो आर.एस. बिष्ट जो थे, है ना, इसके उत्खननकर्ता थे, हरियाणा का जो हमारा ये साइट है, ठीक। तो यहाँ से ये प्राप्त हुआ था।
निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? ठीक है, तो जो हड़प्पन सील समय मिली है, ठीक है, और टेराकोटा जो भी मिले हैं, तो उसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे राइनासोर, एलिफेंट है ना, टाइगर, ये सब मिलेंगे आपको, गाय जो है ये नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन हमारा सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस से बना हुआ है? ठीक है, तो जैसे हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, तो जैसे हम इसका एक टुकड़ा इसका अध्ययन करते हैं ना, जो अर्थ के एक पार्ट के रूप में, ठीक, तो सबसे ऊपर हमारा कौन सा होता है? क्रस्ट होता है, ठीक, फिर क्या होता है ये मेंटल, और उसके बाद हमारा ये कोर का एरिया आ जाता है। ठीक, तो कोर बेसिकली हमारा मोस्टली किससे बना है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे पढ़ते हैं, नीफे भी इसको कई बार कहा जाता है, तो जिसमें क्या है मेनली आयरन और निकल। ठीक, तो ये जो है मेनली हमारा जो कोर का पार्ट है ये इन दोनों से मिलकर बना है, तो यहाँ पे आयरन जो है इसको हम चुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखीय जलवायु की श्रेणी में नहीं आता है? ठीक है, तो देखिए अफ्रीकन कंट्रीज है हमारी, तो हम जो इक्वेटर है हमारा है ना, तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट के संबंध में अगर हम देखेंगे तो कंट्रीज जो हमारी कॉन्गो, गैबॉन और स्वाजीलैंड, ठीक है, ये तीनों जो है हमारे इक्वेटोरियल क्लाइमेट में कवर होती हैं। इथोपिया जो है बेसिकली इधर आपने अफ्रीका के बारे में जो पढ़ा होगा ना, ये हॉर्न ऑफ सीड जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे जो देश है, ठीक है, तो ये हमारा इक्वेटोरियल क्लाइमेट में नहीं आएगा। ठीक, ऑप्शन ए इसमें से हम चूज करेंगे। ठीक, यहाँ पे एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि जो स्वाजीलैंड है मैप में अगर आपको ये नाम ना मिले तो एस्वातिनी भी इसको कहते हैं, ठीक है, इस नाम से भी ये जाना जाता है। अगला देखिए, बादल जो है निम्न में से किसके परिणाम होते हैं? ठीक, तो यहाँ पे देखिए कंडेंसेशन यानी कि संघनन जो है, संघनन के उपरांत हमारे जो बादल हैं इनका निर्माण होता है। ठीक, बेसिकली होता क्या है कि जैसे कि हमारे जो क्लाउड हैं, तो जब हमारी एयर जो इधर वातावरण में मौजूद है ये राइज होती है ना, और वाटर वेपर को लेकर के ऊपर जाती है, फिर कूल होती है। ठीक है, तो कूल डाउन होने के बाद जो है ये ऐसे हमारे कंडेंस होके, ठीक है, ऐसे बादलों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस घटना के द्वारा इनका निर्माण होता है, तो ध्यान दीजिएगा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला देखिए, टॉर्नेडो यानी कि बवंडर की तीव्रता को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो अलग अलग मीटर्स का हम यूज करते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। ठीक, तो जितने भी हमारे टॉर्नेडो हैं इनकी इंटेंसिटी को मापने के लिए हम फुजीता स्केल एक होती है ना, इसका यूज करते हैं, ऑप्शन सी। अगला है कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल जो है वेनेजुएला में स्थित है? ठीक है, तो यहाँ पे कंट्री वेनेजुएला में हम देखेंगे तो एंजल फॉल्स जो है ये यहाँ पे स्थित है, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है? ठीक है, तो सबसे साउदर्न मोस्ट अगर हम इंडियन ओशन की बात करें, जैसे इंडिया के नीचे आप ये रीजन जितना भी इंडियन ओशन का देखते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा आइलैंड है ना मेडागास्कर, ठीक, तो उसके इधर देखेंगे ना ईस्टर्न रीजन में, यहाँ पे है मॉरिशस स्थित। ठीक, तो ये सबसे ज्यादा हमारा जो कहाँ पे स्थित है, दक्षिण हिंद महासागर में, इसको चुनेंगे हम। अगला है, हिमनद झील इटास्का किस नदी का उद्गम स्थल है? ठीक है, तो लेक इटास्का बेसिकली जो है ये हमारा सोर्स ऑफ है रिवर मिसिसिपी का, ठीक है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट रिवर है कहाँ की, यूएस की। ठीक, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, डी वाला। अगला देखिए, निम्न में से किस महासागर में डायमेंशिया ट्रेंच जो है वो स्थित है? ठीक है, तो खाइयों के बारे में हम जैसे विश्व की पढ़ते हैं, तो डायमेंशिया ट्रेंच उसी क्रम में हमारा जो है ये इंडियन ओशन में स्थित है, हिंद महासागर में। लोकेशन अगर मैप में आप इसको लोकेट करने की कोशिश करेंगे तो जो इधर आपका ऑस्ट्रेलिया है ना, तो उसके नियर अबाउट इधर के कुछ रीजन में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, जो जावा ट्रेंच है उसके नीचे, यहाँ पे इसको एक बार लोकेट करके देख सकते हैं आप। अगला है, भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग, तो ये स्थित है हमारा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। माउंटेनियरिंग और स्कीइंग के बारे में आप जानते होंगे, जैसे स्कीइंग में देखा होगा ना आपने, ऐसे वो बर्फ पे ऐसे वो चला करते हैं लोग, ठीक, तो इन सब एक्टिविटीज से संबंधित ये संस्थान यहाँ पे स्थित है। बजट 2022 में खेलो इंडिया योजना जो कि युवा मामले और खेल मंत्रालय की एक प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, इसको निम्न में से किस में शामिल किया गया है? ठीक है, तो अभी जो रिसेंट हमारा इस ईयर का बजट है 2022-23 का, तो इसमें खेलो इंडिया योजना जो है इसको सम्मिलित कर दिया गया है प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना में। अगला देखिए, 2019 में WHO के अनुसार विश्व स्तर पर मृत्यु के दूसरे प्रमुख कारण के रूप में किस बीमारी को स्थान दिया गया था? ठीक है,
तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है एक लेटेस्ट रिपोर्ट जो अवेलेबल है कि वर्ल्ड में देखेंगे तो इन्होंने एक आंकड़ा दिया था कि वर्ष 2000 से लेकर 2019 के बीच में जो लीडिंग कॉजेज रहे डेथ के वर्ल्ड वाइड, तो उसमें सबसे फर्स्ट पोजीशन पे तो था जो हार्ट डिजीजेज होती हैं, ठीक है, वो था। दूसरे नंबर पे हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है तो इसमें स्ट्रोक यानी कि जो हार्ट अटैक आ जाता है ना, हृदय आघात, वो सबसे बड़ा कारण है दूसरा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में जैसे जो तीसरा था तो जैसे जो हमारी पल्मोनरी डिजीज जो होती हैं, ठीक है, उसके बाद चौथे में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो होते हैं, फिर नियोनेटल कंडीशन पांचवें पता, तो ऐसे एक क्रम है, इसको चाहे तो आप देख लीजिएगा सर्च करके। अगला है टोक्यो पैरालंपिक 2020 का केंद्रीय आदर्श वाक्य क्या था, यानी कि मोटो जो है इस टोक्यो पैरालंपिक जो भी हुए हैं उसका क्या था। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपके ये पूछा जाने की संभावना पूरी पूरी है, ठीक। तो ये था इसका यूनाइटेड बाय इमोशन, डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, है ना, तो इसको हिंदी में सत्य के साथ मेरे प्रयोग के नाम से भी कई बार जाना जाता है, तो ये पुस्तक है ऑटोबायोग्राफी महात्मा गांधी जी की। निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का मेजबान होगा, ठीक है, तो जो हमारे समर ओलंपिक्स 2028 के होंगे वो कहाँ पे होंगे, लॉस एंजल्स में होंगे, ठीक है, उससे पहले जो 2024 का शेड्यूल्ड है वो कहाँ होगा, जरा ये कमेंट करिए। तो जनवरी 2021 में विकास किशन राव गवली, है ना, ये एक व्यक्ति का नाम है, तो विकास किशन बनाम निम्न में से किस राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी का आरक्षण जो है वो 50% से अधिक नहीं हो सकता, ठीक। तो यहाँ पे ओबीसीज को जो रिजर्वेशन मिला है इसमें ये सुप्रीम कोर्ट का एक जो है ऑब्जर्वेशन है कि 50% से एक्सीड नहीं कर सकता, इसमें केस का नाम ध्यान रख सकते हैं आप, विकास किशन बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस था ये। अगला देखिए, महाराष्ट्र राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, ठीक है, तो राज्यसभा के लिए जो अलग अलग राज्यों से मेंबर चुन के जाते हैं तो उसमें हम देखेंगे तो महाराष्ट्र में टोटल जो है 19 जो है सीटें राज्यसभा के लिए हैं, ऑप्शन बी। लिस्ट एक बार इसको प्लीज देख लीजिएगा किस राज्य में कितनी है, पूछा जाता है ये। अगला है सोलनम लाइकोपर्सिकम एल, निम्न में से किस अत्यधिक खपत वाली सब्जी का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, तो जो हमारी मोस्ट कॉमन वेजिटेबल्स होती हैं जैसे आलू है ना, पोटैटो है, टोमेटो, अनियन, ठीक, तो इनके थोड़ा नाम हो सके तो देख लें। फिलहाल ये जो सोलनम लाइकोपर्सिकम होता है ये टमाटर का नाम होता है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।